हेलो फ्रेंड्स, जेम के एजुकेशन ट्यूब में आपका स्वागत है। मैं आपकी होस्ट आकांक्षा नया वीडियो लेकर फिर हाजिर हूँ। इस वीडियो में हम गणित की सूक्ष्म पाठ्य योजना बनाएंगे प्रस्तावना कौशल पर। आप में से ही किसी ने मुझे कमेंट कर त्रिभुज के तीनों कोणों के योग पर सूक्ष्म पाठ्य योजना प्रस्तावना कौशल पर बनाने को कहा था। उन्हीं की डिमांड पर मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ, ये पाठ्य योजना लेकर आई हूँ। उम्मीद है आप सभी के काम आए और आपको पसंद आए। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों से हमारा वीडियो शेयर कीजिए। यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कीजिए, उसी से आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप समय पर उसका लाभ ले सकेंगे। जैसे मैंने आपको बताया, ये सूक्ष्म शिक्षण पर हम इसमें पाठ्य योजना बना रहे हैं, तो आपको सबसे पहले क्रमांक डालना है, फिर उसके बाद आपको अपना नाम लिखना है। जैसे मैंने अपना नाम लिखा है, कक्षा हमारी 6 का प्रकरण है, विषय गणित है, कौशल हमारा प्रस्तावना है और समय अवधि हमें 5 मिनट का समय इसमें लगेगा। प्रकरण है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। सबसे पहले प्रस्तावना लिखने से पूर्व आपको पूर्व ज्ञान लिखना पड़ेगा, क्योंकि प्रस्तावना के जो प्रश्न होते हैं वो पूर्व ज्ञान पर ही आधारित होते हैं। बच्चे त्रिभुज को आकृति को पहचानते हैं और चांदे से कोण नापना जानते हैं। ये हो गया हमारा पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान पर ही आधारित हमारे यहाँ प्रस्तावना प्रश्न होंगे। जैसा कि अन्य कौशलों में हम विषय वस्तु लिखते हैं, उसी तरह प्रस्तावना कौशल में हम पूर्व ज्ञान लिखते हैं। फिर प्रस्तावना डालेंगे हम हेडिंग, जिसमें कि हम क्रमांक, छात्र अध्यापिका व्यवहार, विद्यार्थी व्यवहार और घटक कॉलम बनाएंगे। घटक यहाँ पे हम नंबरिंग में लिख देंगे। आप चाहें तो फुल पूरे पूरे घटक भी यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन बहुत सारी जगह लगती है और सभी की कॉपियों में उतनी ही जगह होती, तो आप यहाँ नंबर डालें और तो लास्ट में घटक टैली सारणी बनाएंगे, तो आप उसमें पूरी डिटेल लिख देंगे। अब कौन से घटक में क्या है वो मैं आपको लास्ट में एक्सप्लेन करूँगी। पहले मैं आपको प्रश्न बता देती हूँ एक बार पढ़कर, कि अध्यापिका कक्षा में त्रिभुज के तीनों टुकड़ों को लेकर जाएंगी और विद्यार्थियों को बुलाकर प्रत्येक टुकड़े को कोण डी की सहायता से मापने को कहेंगी। यानी आप गतिविधि द्वारा ये वाला जो प्रस्तावना है वो निकलवाएंगे। प्रस्तावना कई तरीके की होती है, आप चार्ट दिखाकर पूछ सकते हैं, प्रश्न द्वारा पूछ सकते हैं और इस तरीके की गतिविधि कराकर भी पूछ सकते हैं। आप प्रत्येक कोण को माप श्यामपट पर लिखेंगी और पूछेंगी इन तीनों कोणों का योग कितना हुआ। यानी आपने तीनों कोणों को उनसे नपवाया, अलग अलग लिखा और जब उनसे प्लस कराया तो उत्तर बच्चे देंगे 180 डिग्री। तो यहाँ पे हमारा पहला और दूसरा घटक इस्तेमाल हुआ, यानी वो पूर्व ज्ञान से ही संबंधित था, यानी वो त्रिभुज को पहचानते थे और प्रयुक्त उक्तियों का हमने प्रयोग किया, तो ये दोनों घटक हमारे यहाँ इस्तेमाल हुए। फिर हम दूसरा प्रश्न करेंगे कि इन टुकड़ों को जोड़कर देखते हैं कि क्या बना, तो त्रिभुज बना। फिर त्रिभुज के कितने कोण हैं, तो तीन कोण हैं, तो यहाँ पे हमारा पहला दूसरा तीसरा घटक इस्तेमाल हुआ। इन तीनों कोणों का योग कितना है, तो बच्चे बताएंगे 180 अंश, तो यहाँ पर भी हमारा पहला दूसरा और तीसरा घटक हुआ। क्या किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो गया। तो यहाँ पे हमारा सारे घटक इस्तेमाल होते हैं एक साथ। फिर हम उद्देश्य कथन द्वारा बताएंगे कि आज हम त्रिभुज के तीनों कोणों के योग का अध्ययन करेंगे। यानी उनको अभी ये नहीं पता है कि क्या सभी त्रिभुज के कोणों का योग 180 होता है, तो यही हमें उन्हें सिखाना है। तो हम उद्देश्य कथन के माध्यम से कहेंगे कि आज हम त्रिभुज के तीनों कोणों का अध्ययन करेंगे। मैं जल्द ही इस टॉपिक पे पाठ्य योजना भी बनाकर लेके आऊँगी आपके लिए। अब हम प्रस्तावना के घटक देख लेते हैं। इस तरीके से आपको घटक टैली सारणी बनानी है, जिसमें एक तरफ आप घटक लिखेंगे, एक तरफ उनकी आवृत्ति लिखेंगे कि कौन सा घटक कितनी बार इस्तेमाल हुआ। तो हमारा पहला घटक है पूर्व ज्ञान का प्रयोग, तो यदि ये वाला घटक हमारा 4 बार इस्तेमाल होता है तो आप 4 पर सर्कल बना दें। फिर उपयुक्त युक्तियों का प्रयोग तो हमने किया है, तो यहाँ पे भी ये जितनी बार इस्तेमाल हुआ, यदि मान लीजिए 3 बार हुआ तो आप 3 पर गोला बना दीजिए। प्रश्नों में तारतम्यता, यानी एक सभी प्रश्न एक दूसरे से रिलेटेड थे। नितांत अनुपयुक्त वर्णन, यानी कई बार हम बहुत सारा वर्णन करके प्रश्न पूछ लेते हैं, तो वो इसके अंतर्गत आता है। प्रस्तावना की अवधि, यानी प्रस्तावना नियत समय पर समाप्त हुई। फिर शिक्षकों में उत्साह एवं सजगता, यानी शिक्षक में उत्साह था, सजगता थी और वो भी एक्टिव थे और बच्चे भी एक्टिव थे, तो ये वाला घटक हमारा इस्तेमाल हुआ। यहाँ पर हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। यदि अच्छा लगता तो लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।